पिछले 3 दिन से हो रही बारिश से सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ है। जिन किसानों ने सोयाबीन की फसल की कटाई कर ली थी और खेतों पर फसल खड़ी थी, उनकी फसल भीग चुकी है। वहीं ऐसे किसान जो सोयाबीन की कटाई करने वाले थे लेकिन बारिश के कारण नहीं कर पाए, उनकी फसल भी प्रभावित हुई है। जिले के कई गांवों में तो खेतों में ही पानी भर गया। ऐसे में तत्काल मुआवजे की मांग तेज हो गई है। प्याज और लहसुन के भाव कम मिलने से किसानों को सोयाबीन से आस थी और इस आस के मुताबिक 3 दिन पहले मौसम अनुकूल भी था, लेकिन अब जब सोयाबीन की कटाई का वक्त आया तो बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश से खेतों में पानी भरने से किसानों की सोयाबीन की खड़ी और कटी फसल दोनों को नुकसान हुआ। ऐसे में अब किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। वहीं इसका असर आगामी फसल पर भी हो सकता है। यदि मुआवजा नहीं बटा तो किसान आगामी फसल के लिए बोनी नहीं कर पाएंगे। उधर भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष ललित पालीवाल ने बताया है कि ऐसे किसान जिनकी फसल कटकर खेतों पर रखी थी, उन्हें भारी नुकसान हुआ है। वहीं ऐसे किसान जो बारिश के कारण कटाई नहीं कर पाए, कृषि विभाग, राजस्व विभाग और बीमा कंपनी को किसानों के खेतों में जाकर सर्वे कर तत्काल किसानों को मुआवजा देना चाहिए ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। वहीं उपसंचालक कृषि विजय चौरसिया ने भी कहा है कि आसपास के क्षेत्रों में सर्वे शुरू कर दिया है। खेतों पर पहुंचकर अधिकारी फसलों का निरीक्षण कर रहे हैं और जल्द ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।